आज के दिन मैं अपना ब्लॉग शुरू करने लगी हूँ। मैं इस वक्त बाहर निकली हुई हूँ और आज मैं लाइबा से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो फिर मैंने सेंट्रल जाना है। इस वक्त मैं वॉक करके वहाँ से आई हूँ और आगे बस स्टॉप पे जाने लगी हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जिस जगह शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे कोई MTR नहीं है, तो हमें यहाँ से मिनी बस लेनी होती है और फिर MTR पे जाना होता है। तो ये है तंगतिशान रोड और यहाँ पे मैं ज़रा रोड क्रॉस कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम 20B बस आएगी, उसका हम वेट करेंगे। ये है बस स्टॉप। हम लोग जिस जगह में हैं दाइपो में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है क्योंकि ये विलेज एरिया में आता है। और यहाँ पे इस तरह ये बाइसिकल्स खड़ी होती हैं, इनके पीछे कोड है, आप इसको स्कैन करो और पेमेंट कर दो तो आई थिंक 1 आवर के लिए आपको मिल जाती है। आप पेमेंट करो और फिर उसके बाद आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। इधर इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे साइकिल्स भी खड़ी होती हैं। और ये देखिए वहाँ पे सारे माउंटेंस वगैरह हैं। तो ये आ गई बस, 20B बस यहाँ से जाती है, उस तरफ हमने जाना है। चलें जी, लेट्स गेट इनसाइड। और अभी इतना फ़नी सीन हुआ, जो मैं आप लोगों को बस दिखा रही थी वो बस वाला मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, उसको लगा शायद मुझे बैठना नहीं है और मैं सामने सामने निकल गया। तो अभी मैं दोबारा से वेट कर रही हूँ नेक्स्ट बस का। हर 10 या 15 मिनट्स के बाद बस आती है, तो आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बस। पहली बस मिल गई। इस तरह से बस में कोड स्कैन करते होते हैं, जैसे ये कोड स्कैन करें और $7.8 देना होता है इसका फेयर। इस तरह से ही छोटी बस है, थैंकफुली मुझे बस मिल गई है। और मैंने ये भी डिस्कवर किया कि 20B के अलावा और बसेस भी जाती हैं और सेम टाइपो MTR पे ही जाती हैं, तो बस अभी मैं MTR जाने लगी हूँ। सो आई एम फाइनली एट ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे देखें कितने सारे एस्केलेटर्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी नीचे तक, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो चल के आना पड़ा है MTR से, और यही जगह क्योंकि थोड़ी सी ऊपर है तो यहाँ से पूरा वॉक करके आई हूँ मैं MTR से। अभी पूरा सांस में फूल गया। ये देखें ये जगह है ग्रीन रैफल्स। तो अभी बस मैं लाइबा का वेट करती हूँ अंदर जाके। जब सो गाइस, आई हैव विद मी टुडे लाइबा, जिसकी भी शादी होने वाली है। तो हम लोग कोई 4 महीने के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, और हमें दूसरे निकाह मिल गई और शादी में भी ऑब्वियसली नहीं हुई थी, वो पाकिस्तान में होनी है। और जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी तो सैडली उसी दिन ही लाइबा का निकाह था और मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकती थी। हम लोग यहाँ पे ब्रंच करने के लिए आए हैं और हम लोग ने ऑर्डर किया है, लाइबा बताइए हमने क्या ऑर्डर किया, इतना लंबे नाम मुझे याद नहीं होते। लाइबा देख लिया मैंने, बताओ। नहीं नहीं, पहले वहाँ का बताते हैं। शिकागो विद क्रीम एंड आइसक्रीम, और ये वाला मेरा वेफल है, फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम है, और ये लाइबा का सामन था, जिसमें माहौल को लग रहा है कच्ची मछली है लेकिन कच्ची नहीं है, ये स्मोक सैल्मन है। एंड देयर इज एवोकाडो, देयर इज एग एंड राइस ब्रेड। और ये हमारी कॉफी बहुत मज़े। तो मैं ये लाइबा ने बोला है ट्राई करने के लिए, मैं ये ट्राई करने लगी हूँ। इतनी बुरी नहीं है, बुरी है लेकिन इतनी कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। आई मीन नहीं अच्छी है, लेकिन वैसे जैसे मैं समझ रही थी वैसे नहीं है। आई वाज थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा कच्ची होगी। अभी मैं अपना ट्राई करूँ। तो अभी हम लोग आगे हैं जॉली भी, हमारे पास फिर सामान है और भी, और मेरे पास भी बैग्स हैं, फाक के पास भी बैग्स हैं। लेट्स सी इफ इट कैन फाइंड अ प्लेस हियर। वी वर प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स, पर अभी हमारे पास सामान था, हमने सामान लिया तो अच्छा खासा लगेज हो गया। यहाँ पे हम लोग जब हांगकांग से जा रहे थे वापस पाकिस्तान, तो हमने 2-3 लोगों के पास अपना सामान रखवाया था,
तो अभी हमने वो सामान कलेक्ट किया है, तो अभी इतना ज़्यादा हो गया कि हमने आगे लंच पे जाना था, पर अभी हम लोग जो भी करीब जगह हमें मिली हम वहीं आ गए खाने के लिए। तो ये जॉलीबी है, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इसके बारे में सुना होता कि यहाँ पे ये भी हलाल है, और इस वजह से यहाँ पे अभी हम लोग बर्गर ट्राई करने लगे हैं। सो लेट्स सी ये कैसा है। मैंने सुना है कितना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी जो भी करीब जगह थी भूख लगी हुई थी तो यहीं आ गए। सो द बर्गर वॉज जस्ट ओके। इसके बाद हमें सेंट्रल में काफ़ी सारे काम थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, हमने वो की। उसके बाद डिनर भी हमने रात का बाहर किया था, मैं अब आपको वो दिखा। वजह से भी हम लोग आए हैं वन चाय मॉस्क, और यहाँ हम लोग खाने लगे हैं अपना राइस विद चिकन स्टिक एंड ब्लैक पेपर, और दूसरा हम लोग ये खाने लगे हैं राइस एंड स्वीट एंड सावर फिश फिलेट। तो बस अभी पेट भर के खाना खाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग वापस घर जाएंगे। तो अभी मैं खाने लगी हूँ फिश, पहले सबसे पहले फिश आई है, और लकीली हमारा ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज़ यहाँ पे 8 बजे के बाद ऑर्डर नहीं होता, और हम लोग ऐसे भाग भाग के यहाँ पे पहुँचे। तो लेकिन इन वी मेड इन टाइम, हम लोग कोई 2 मिनट पहले पहुँचे और उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आ गया हमारा सेकेंड ऑर्डर, ब्लैक पेपर चिकन विद राइस, और ये फिश है। अब यहाँ से हम घर जाएंगे, जो रेस्टोरेंट है वो पूरा खाली, ये देखें इसकी ये पूरी कैंटीन खाली पड़ी हुई है इस वक्त, और हम लोग लाइक सबसे आखिरी में ही हैं। तो अभी हम लोग खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, और अभी मैं पी रही हूँ साथ में स्प्राइट, हालांकि सर्दियाँ हैं यहाँ पे स्प्राइट पी रही हूँ, और पाकिस्तान में इस दफ़ा मैं गई कोई 5 दफ़ा मुझे गला ख़राब हुआ और बुखार हुआ, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतनी दफ़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आई डोंट नो इनकी कोल्ड ड्रिंक इतनी अच्छी होती है, कभी गला नहीं पकड़ा जाता उससे। लास्ट टास्क ऑफ द डे, हम लोग जाने लगे हैं स्टारबक्स, और हम लोग TST में इसकी ब्रांच है वहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से अंदर जाते हैं। लेट्स हैव सम हॉट चॉकलेट, गरम है। ये हम लोग हॉट चॉकलेट लेके यहाँ पे नहीं खा सकते घर जाने वाले, तो मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।